कर अच्छा सकते ये हैं बालों इसको। को इसने कर क्या दिया हमने, ये देखो बालों को जरा उसने क्रीम वो करके कर दिया दिखाओ। बिल्कुल, हाँ ये बालों देखे, को अल्लाह उसने। माफी अल्लाह माफी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जस्ट आमना। आज मैं फर्श पर क्यों बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने द्राज डॉट पीके से कुछ चीजें ऑनलाइन बाय की थी। काफी सारा सामान मैंने यहाँ से उठा दिया है, खिलारा हो रहा था। और अभी जो मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है, कि काफी दिन हो गए मैंने किसी प्रोडक्ट का वैसे रिव्यू नहीं किया है ना, आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा। लेकिन ये मेरी इंस्टाग्राम वाली बहनों के कहने पर मैंने ऑर्डर किया था, ये नायर का हेयर रिमूवल स्प्रे है, कि बॉडी से हम अपने बालों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो भी बड़े इजी वे के अंदर। ये यूके मेड है, बाकी ये कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा, इसके अंदर 2 से 3 वेरियंट और भी हैं जो कि स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर जो है वो है कीवी एक्सट्रैक्ट, और ये जो है ना मॉइस्चराइजिंग फार्मूला के साथ है। बाकी जी अभी मैंने अपने हस्बैंड को बाकी जी मैंने भी अपने हस्बैंड को बुलाया, एज यूजुअल हमेशा उन्हीं को बुलाते हैं, कोई भी वैक्स हो कोई भी हेयर रिमूव के लिए चीज़ मैं मंगवा लूँ ना तो उनकी शामत आ जाती है। आज फिर से मैंने उनको बुला लिया है, उनके बाजू पर या टांग पर कहीं ना कहीं हम अप्लाई करेंगे और डेमो लेंगे, फिर देखते हैं कि ये क्या काम करता है, कितने देर तक इसको लगाने के बाद रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और भी दिखानी थी, यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड आया है स्नैक वीडियो वालों की तरफ से। इस लिफाफे के अंदर अच्छा बाकी और कुछ नहीं है, खाली खड़क रहा है, पैसे वैसे नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट है, जस्ट सर्टिफिकेट। थैंक यू जी सेंड करने के लिए। अच्छा जी चलो जी इसको अप्लाई कर लेते हैं, यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप में से कभी किसी ने अपनी लाइफ में इसे यूज़ किया हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग आकर अपना एक्सपीरियंस है ना बाकी व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लें जी हमारे मियाँ जी आ चुके हैं, और बॉटल कुछ इस तरह की दिखती है। आई थिंक ये मुझे ऐसे लग रही है जैसे इसका ढक्कन उतारते हैं ना, जैसे मेंस की शेविंग क्रीम होती है ना, उस टाइप का इसका ऊपर से ये है। नहीं ये लगाने के बाद बाल वापस आ जाएंगे मेरे, तो होर की सच्ची आ जाएंगे। वो डर रहे हैं लगते। अच्छा किस एरिया पे लगाऊं? अच्छा आप आपसे आप एक सवाल पूछूं, हाँ। ये बाल बना किस चीज का होता है? केराटिन का। ओए होए होए होए, कितने फीसद कितने परसेंट? ज्यादा केराटिन के साथ ही बाल बनता है, प्रोटीन और केराटिन के साथ। यस ये वाकई अच्छी रेमेडीज है यार। 80% जो होता है वो केराटिन के साथ बना होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं। 15% जो होता है ना वो ऑयल्स होते हैं और मॉइस्चर होता है। हाँ अच्छा मैंने ये वीडियो ना चलते चलते बनाई थी, वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेमुना की वीडियोस जो होती है ना वो इन्फॉर्मेशन से भरी होती हैं, तो आज जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे बिग बॉस दे रहे हैं हमें। तो ये जो है ना स्प्रे जो है, पता नहीं इसको शेक करना है, इन्होंने कहा है ऊपर लिखा हुआ डायरेक्शन में, और अब किस एरिया पर अप्लाई कर लूँ पहले ये बता दें। यहाँ पे कर लो, थोड़ी सी जगह पे कर लूँ। अच्छा जी अब इसमें ओहो वैसे ही नहीं है शेविंग क्रीम टाइप, मैं लगा लेता हूँ ये देख, जितना मर्जी लगा। बस 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 इतना भी नहीं लगाना, वो फैल के नीचे ये उतर तो जाएगा। आपने लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया, अब जिंदगी भर बाल नहीं आएंगे। अपना स्किन को तो नहीं कहता कुछ? नहीं अब आप बताना ना कि इरिटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको इरिटेट कर रहा है। फैलाना नहीं है फिंगर के साथ या स्पैचुला ले आओ उसके साथ फैला। वो ऊपर वाले बाल तो मुझे लगता है उसने उड़ा भी दिए, वो अलग से लग रहे हैं मुझे, ये वाले जो ऊपर थे ना ये हट गए हैं, बाल उतर गए हैं, टूट गए हैं। इसको नहीं वो फैलाना नहीं है, ये तो वैसे ही पड़ा है। नहीं बस इसको फैलाना नहीं है, कुछ जगहों पर इसको फैलाने का बोला गया, और कुछ वीडियोस मैंने लोगों की देखी है वो फैला ही नहीं रहे इसको, बस जैसे है वैसे ही लगा रहेगा। ये है क्या, फोम है क्या? फोम है, फोम में। अब ना आप उंगली ना लगाओ आपकी उंगली उतर जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, बालों पे काम करता है बॉडी पे नहीं। यार बाल जब केराटिन के बने होते हैं तो नेल्स भी तो केराटिन के होते हैं, वो हार्ड केराटिन होता है, तो आपके नेल्स उतर जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वो जो हम ब्लीच वगैरह यूज करते हैं अगर वो खुदा ना खास्ता नेल्स पे लग जाए ना, ओहो हो फिर जो तबाही उतरती है ना बंदे की, इतनी जलन होती है ना, ओहो हो बंदा पागल हो जाता है, कहता है कि मैं केड़े रोले में पे गया, बहुत पेन होती है। इसको साफ करने के लिए तो कोई चीज ले हो? हाँ हाँ वो मैं स्पंज ले। कितनी देर लगाना है? इसको बोला गया हार्डली बस आप 5 से 6 मिनट तक लगा सकते हैं, और 10 मिनट का इसका ऊपर टाइम लिखा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर आपके बाल रिमूव ना हो तो फिर हर कंडीशन में आपने उसको उतार देना है। हाँ जी मियाँ जी बताएं फिर आप क्या फील कर रहे हैं? यार मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे ना जलन एक ठंडी सी जलन हो रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है और सेंसेशन सी जैसी होती है ना उस टाइप। अच्छा बर्न हो रहा है? बर्न नहीं है। अच्छा जैसे कोई चीज जल जाती है तो हमें, लेकिन आई थिंक अगर मेरे को काट या इंजरी होती ना तो फिर तो ऊपर भी लिखा हुआ है ना कि फिर आप यूज नहीं कर। अच्छा ये बालों को इसने कर क्या दिया हमने, ये देखो बालों को उसने वो कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, ये देखो ना कैसे कर दिया है, भुत्ता कर दिया, तरोड़ मरोड़ दिए। हाँ आ रहा, थोड़ा पीछे करें बाजू हल्का सा बस, ये देखे बालों को माफी अल्लाह माफी, और झाग सी है। अच्छा स्मेल बड़ी बुरी आ रही, बहुत गंदी यार, बहुत बुरी है स्मेल, बहुत गंदी स्मेल है। अच्छा हो सकता है जो दूसरे इसकी वेरिएंट्स हों उसमें इतनी गंदी स्मेल ना हो, जैसे कि रोज वाला है या लेमन वाला, लेकिन कीवी वाले के अंदर तो भाई बड़ी गंदी स्मेल है। अच्छा इसको साफ, अभी हम साफ कर सकते हैं इसको किसी भी स्पंज के साथ, कॉटन के फैब्रिक के साथ। सख्ती से करना पड़ेगा ना ताकि उखड़ जाए बाल, अगर लगे भी हुए कुछ तो। नहीं नहीं स्मूथ हाथ के साथ ही कर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है कि फिर आप इसको वॉश कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं अब क्या बनता है। ओ वाह सफाई हो गई, इन्नी भी नहीं हुई।
अच्छा जड़ से तो नहीं निकले बाल? नहीं जड़ से नहीं निकले, ये यहाँ से निकल गए हैं इस एरिया से। हाँ हाँ। और ये खड़े हैं इधर से, लेकिन ये भी निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल उसने पाउडर बना दिया। हाँ पाउडर बन गए इधर से भी। ये देख सकते हैं जी आप लोग, जूम किया हुआ है कैमरे को, थोड़ा सा इधर करके दिखा मेरे हाथ में बटन। आई आमना मुझे क्या बना दिया आपने, ये थोड़ी सी जगह पर लगा लेती, देखो सारा मेरा हाथ खराब। आपने कौन सा सर्दी का सीजन है ऊपर कपड़े पहने होते हैं, कौन सा नजर आ रहा है, हाथ की शेव हो गई। अच्छा ये भी उतर रहे हैं बाल। हाँ ये भी, ये मुझे लगता है वॉश करने से उतर जाएंगे, बिल्कुल आटा बन चुके हैं, ये भी उतर। हाँ खत्म हो रहे हैं, ये इधर भी लगे हुए, ये भी उतर जाएंगे। दो मुझे कुछ साफ करने को, ये वाइप्स के साथ। वाह भाई वाह, मतलब करना पड़ रहा है यार, आप किस चीज की वो हो, मेरे हाथ में ये है, फिर वो गिर जाएगा। रख दो ना साइड पे, बस वो फिर मैं रख दूंगी, आप बैठे हो तो कर लो, फ्री बैठे हो। अच्छा ये थोड़ा सा दबा के मैंने किया, हाथ साफ हो गया। अच्छा ये रेडनेस क्यों हो रही है, इधर जलन हो रही है आपके? नहीं इधर मैंने वैसे ही रगड़ के किया था। अच्छा सख्ती मुजहरा कर रहे हो। अच्छा जी ये बिल्कुल साफ हो चुका है हाथ, ये देख लें जी। वो इसकी स्मेल कितनी गंदी यार, है यार, दूर दूर तक आ रही है, बहुत गंदी स्मेल है। अच्छा बीट की भी ऐसी होती है। अच्छा जीप सी, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसकी। अब इसमें ये देखने वाली चीज है कि बीट जो है ना वो अगले दिन ही, मतलब अगले दिन या फिर आपको 6 से 8 घंटे के दौरान ही ना थोड़े थोड़े से बाल ऐसे लगते हुए फील होते हैं कि अब ये बाल निकलना दोबारा से जड़ से शुरू हो चुके हैं। हाँ लेकिन इसके बारे में ये रिव्यूज़ हैं लोगों के, और के लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना 3 से 4 दिन के बाद आपके बाल जो है वो रूट से निकलना स्टार्ट होते हैं, जब हाथ लगाने से फील होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या बनता है। और दूसरा ये था कि सॉफ्ट हो गया, सारे उतार दूँ? नहीं यार मैं लेकिन लड़की तो नहीं हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरे आएंगे कब, वापस आएंगे? आ जाएंगे हफ्ते के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। कौन से इन्होंने खत्म हो जाना, इनकी ग्रोथ तो होती अच्छा, रहती है ना। डॉक्टर जब ऑपरेट वगैरह करने लगते हैं ना तो वो जहाँ पे बाल होते और जो लेजर करते हैं लेजर ट्रीटमेंट होता है हेयर अच्छा? के लिए उसके उसके लिए सबसे पहले लेजर यूज किया जाता है। मशीन भी तो पड़ी ना, वो हाँ, ट्राई करो यार। और पैसे नहीं देते कंपनी वाले समझा करो, समझा करो, इन्होंने दिए स्प्रे वालों ने? अरे नहीं दिए, 1500 रुपया लग गया अभी तक मेरे, ये खुद नहीं नहीं रिव्यू के लिए खुद मंगवाया है, उन्हें रिव्यू तो ऐसे ही होता है ना, फिर पैसे दे दो ना फिर बंदा चले। हाँ अब आप जा सकते हैं। अच्छा ये आपने वॉश कर लेना है, इसको ऐसे नहीं रखना, वॉश कर लेना ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, स्मेल बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल, घिनौनी स्मेल, घिनौनी यार, जैसे ना वो मुर्गी के अंडे खराब नहीं हुए पड़े होते। हाँ हाँ वैसे इस तरह की स्मेल आ रही है, भड़क गया बिल्कुल नहीं लगाना मेरी बहनों, इसके करीब नहीं जाना। नहीं नहीं ये अच्छा? सही है, जाने जाने अजीब यार देखो मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं जाना है इसके करीब जाना है वो, क्योंकि इसलिए जाना है कि जो वीट है ना वो आपके एरिया को ना ब्लैक कर देती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देती है। और इसके बारे में ये देखा गया है, सुना गया है, और जिन जिन लोगों ने यूज़ किया वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसको यूज़ करने के बाद आपकी जो एरिया है ना वो ब्लैक नहीं होता। जाऊँ मैं? हाँ आप चले जाएं, थैंक यू जी आने के लिए और फिर दोबारा जाने के लिए। अच्छा जी सबसे पहले तो ये बात साबित हुई कि ये मोटे से मोटे और बारीक से बारीक बाल को जड़ से उखाड़ देगा, खत्म कर देगा, निस्तो नबूद कर देगा। ठीक है ये एक प्लस पॉइंट है इसका, पहले प्लस पॉइंट पे बात करते हैं फिर उसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे बात भी करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारी बहनें ये कह रही थी कि हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना, और बहुत सारे लोग जो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं वो कहते हैं कि हम इसे बहुत लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले हैं, वो इसके रिजल्ट से मुतमिन थी, सेटिस्फाई थी। बाकी जिन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर ऑल हेयर टाइप्स प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजिंग फार्मूले के साथ है, इसके अंदर जो इन्होंने ऐड की है चीज़ वो ये है कि बेबी ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को स्मूथ एंड सिल्की बना देता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी जनाबे वाला इसके पीछे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अगर आपको किसी किस्म की इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो आप इसको फौरी तौर पर वहाँ से रिमूव करें और उसके बाद इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे कि जायद ने अभी अप्लाई किया था तो उनको बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही थी, जस्ट कूलिंग सेंसेशन हो रही थी। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है, स्प्रे है ये तो होगा क्योंकि ऊपर से भी ठंडा लग रहा है तो अंदर से भी डेफिनेटली ठंडा ही होगा। तो फिर जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा जगह पर, लेकिन शुरू में आपने चेक करने के लिए इसको थोड़े से हिस्से पर ही अप्लाई करके चेक कर लेने। और इस स्प्रे का जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा है वो ये है कि भाई ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हर जगह पर इजीली अवेलेबल है, कोई भी जाकर इसे बाय कर सकता है। ठीक है क्योंकि मेरी इंडियन और बांग्लादेश की जो व्यूवर्स हैं वो अक्सर ये कहती हैं, आकर शिकवा करती हैं कि आप भी वहाँ की प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया कीजिए, लेकिन वहाँ की प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ की प्रोडक्ट्स वहाँ नहीं जा सकती, ट्रेड यूनो बंद है, तो फिर मैं कैसे बताऊँ मुझे वहाँ की प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता। जब तक
तक मेरे हाथ में नहीं आएंगी, जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी तो कैसे उसका रिव्यू कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उनके बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। तो ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इजिली मिल जाएगा, कोई भी इसे बाय करके यूज़ कर सकता है। और अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताते चलूँ कि ये प्राइवेट पार्ट पर यूज़ की जा सकती है, यानी कि अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में, वहाँ पर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। टांगों के या बाजुओं के बाल वगैरह भी अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से भी बाल हटाए जा सकते हैं, लेकिन 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 फेस पर इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। फेस के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है, फेस के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना, ओके। कोई बहनें ऐसी भी होती है ना जिन्हें पता नहीं चलता, वीडियो में अगर ये बात ना बताई गई ना तो वो इसे फेस पर भी अप्लाई कर लेंगी और पूछने भी लग जाएंगे कमेंट सेक्शन में आकर कि इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, फेस पर इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर मेंशन है। बाकी जी, इसको जब भी हमने स्प्रे करना है तो थोड़े से फासले से करना है, इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए तभी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जी, ये वाला प्रोडक्ट हमें 200 ml में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। पहले के प्राइस का तो मुझे पता नहीं है, तो दूसरी बात यह है कि मैंने इसे Draz.pk से बाय किया तो वहां से मुझे ये 1500 रुपए का मिला। मतलब इतनी सी बॉटल आपको 1500 रुपए में मिलेगी, और अगर ये आपका मंथ भी निकालता तो तभी बहुत महंगा पड़ रहा है, अफोर्डेबल नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए तो नहीं है, अब पता नहीं इंडिया में इसकी क्या प्राइस है, अगर इंडिया से मुझे कोई देख रहा है तो कमेंट्स में आकर बताएं, और बांग्लादेश में क्या प्राइस है मुझे नहीं पता वहाँ की प्राइस का, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी की बात है, अभी की बात है, ये मुझे परसों रिसीव हुआ है तो 1500 रुपए में मिला है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि मतलब ये अगर अच्छा है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें, अगर आपने कहीं जाना है पार्टी वार्टी में, तो आप मतलब चुटकियों में अपने बालों को रिमूव कर सकती हैं, फेस के नहीं फुल बॉडी के कर सकते हैं कहीं से भी, तो आप इसको 4 से 5 मिनट दे सकते हैं। और अगर आपके बाल बिल्कुल रुआ टाइप है, मतलब जैसे कि मेरे हाथों पर इतने ज़्यादा बाल नहीं है, तो वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी ना तो मुझे लगता है कि विद इन 2 and 3 मिनट्स के अंदर अंदर ये बालों को उड़ा देगा, वहाँ से ख़त्म कर देगा। और बाकी जो है इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा है दूसरा, कि ये इजीली कहीं से भी बाय नहीं कर सकते आप, आपको ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉप से ही बाय करना होगा या किसी बड़े माल से बाय करना होगा, या आपको आम शॉप्स पर नहीं मिलता क्योंकि महंगा है, तो महंगा प्रोडक्ट शॉप्स पर नहीं रखते लोग। बाकी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप ही लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है बालों के लिए, सेफली आप इसे यूज़ कर सकते हो, टाइम कम लगेगा, और टाइम बचाने के लिए अगर आप जल्दी में रहते हैं हर वक्त मेरी तरह, तो फिर आपके पास ये वाला स्प्रे होना चाहिए घर पर आप इसको। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हम इसको कहीं जल्दी जल्दी में जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हर दफ़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो ना करें क्योंकि ये महंगा है, और फिर तो ये आपके 2 से 3 माह निकाल सकता है। लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पर, मतलब वीकली यूज़ करेंगे, तो फिर जनाब वाला ये 1 महीना भी शायद ना चल पाए। बाकी जी, ये थी आज की जी बड़ी ही भागती भागती सी वीडियो, क्योंकि जायद को बुलाया था और रात के बज रहे हैं 2, तो वो भी बड़ी मुश्किल से आए हैं टाइम निकाल करके, क्योंकि दिन के वक्त वो घर पे नहीं होते थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो रात को बनानी पड़ रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर और भी किसी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए हो ना तो नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है, आकर बता दीजिएगा, आपकी बहन लेकर हाजिर हो जाएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।